नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। जिस खबर पर देश ही नहीं दुनिया भर के शेयर बाजारों की नजर थी वो खबर आखिरकार आ ही गई। जी हां, अमेरिका से दुनिया भर के बाजार के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। अमेरिका और दुनिया पर मंडराता बड़ा आर्थिक संकट कुछ समय के लिए टलता दिख रहा है। व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन्स ने डेट सेलिंग बढ़ाने को लेकर एक संभावित डील का खाका खींच लिया है। अब इस खबर के क्या क्या मायने हैं और इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। असल में करीब एक महीने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रिपब्लिक कांग्रेस नेता केविन के बीच फेडरल सरकार के 31.4 ट्रिलियन डॉलर की डेट सीलिंग बढ़ाने को लेकर बात बनती हुई नजर आ रही है। कर्ज सीमा बढ़ाने को लेकर जो बाइडन और केविन के बीच शनिवार शाम को करीब 90 मिनट तक बातचीत हुई। राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ बैठक के बाद केविन ने एक ट्वीट में लिखा, कुछ समय पहले ही फोन पर राष्ट्रपति से मेरी बात हुई है। उनकी ओर से महीनों तक चर्चा और समय बर्बाद करने के बाद अब हम एक सैद्धांतिक करार पर पहुंचे हैं जो अमेरिका के नागरिकों के पक्ष में है। अब इस समझौते के बाद क्या होगा ये जान लीजिए। इस समझौते के बाद अमेरिका में 2 साल के लिए डेट की सीमा बढ़ जाएगी। इस दौरान अमेरिकी सरकार अपने खर्च को सीमित रखेगी और गरीबों व जरूरतमंद के लिए चल रही योजनाओं पर कुछ अतिरिक्त काम कर सकेगी। बता दें, अमेरिका के पास अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए 5 जून तक का समय था। इस वक्त अमेरिका के ट्रेजरी विभाग में कैश की भारी संकट है और अगर यह समझौता पूरा नहीं होता तो जून के पहले हफ्ते में सरकार के पास अपनी देनदारी को पूरा करने के लिए कैश ही नहीं बचता। ट्रेजरी विभाग ने बीते शुक्रवार को ही कह दिया था कि अगर 5 जून तक कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए समझौता नहीं हुआ तो डिफॉल्ट को टालना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब दोनों पार्टियों के बीच समझौता लगभग हो गया है। अब जैसे ही बिल तैयार हो जाएगा इसके बाद इस समझौते पर वोटिंग की जाएगी। अगर अमेरिकी कांग्रेस में इस समझौते पर मुहर लग जाती है तो अमेरिका बड़े कर्ज डिफॉल्ट से बच जाएगा और दुनिया भर के बाजारों में इस खबर के बाद बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अमेरिका में कर्ज सीमा बढ़ाने को लेकर जो बाइडन और केविन के बीच सहमति बनने के बाद भी अभी इसके कई अहम पड़ाव को पार करना होगा। केविन के पक्ष के लोगों का मानना है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों को 72 घंटे तक इस बिल को पढ़ने और समझने के लिए दिया जाना चाहिए और फिर इसे वोट के लिए पेश किया जाना चाहिए। बता दें, हाउस में इस बिल को पास करने के लिए पर्याप्त सदस्यों की सहमति मिलना बहुत जरूरी है, तभी इसे सीनेट के पास करने के लिए पेश किया जाएगा। खैर, अब देखना होगा कि ये मामला कहां जाकर रुकता है, लेकिन पल पल के अपडेट्स के साथ हम आपको इस खबर के फॉलो अप से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिज तक।